तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ एडवांस एक्सेल की। हमारी ये चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम बात कर रहे हैं नंबर की फॉर्मेटिंग। तो एक्सेल के अंदर में हमारे पास सबसे ज्यादा जो डेटा होता है वो नंबर्स में होते हैं और नंबर्स के अंदर ही ज्यादातर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो नंबर की जी फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए वो आज हम आपके साथ बात करेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया 1500 हमें टाइप कर दिया, इसको जनरल फॉर्मेट बोलते हैं। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो बहुत सारे बने बनाए फॉर्मेट्स हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे कि नंबर, इसमें डेसिमल प्लेसेस लग जाएगा, करेंसी, इसमें रुपीज का साइन या डॉलर का साइन लग जाएगा, शॉर्ट डे, अगर अकाउंटिंग है तो यहाँ पे इसमें कोई फर्क नहीं, अलग फर्क अलग है, मैं अलग बताऊंगा आपको इसके बारे में। शॉर्ट डेट, डेट में बन जाएगा, टाइम, परसेंटेज करना चाहते हैं, फ्रैक्शन करना चाहते हैं, ये बने बनाए फॉर्मेट्स हैं। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम आते हैं यहाँ जो साइड में ये जो दिख रहा है एरो निशान, नंबर फॉर्मेट। इसको लाने का एक तरीका और भी है कि आप राइट क्लिक करें और पेस्ट, पेस्ट माफ कीजिएगा, फॉर्मेट सेल, यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नंबर फॉर्मेट। तो सबसे पहला है आपका जनरल। जनरल के बाद जब हम नंबर पे आते हैं तो नंबर पे मेरे पास आता है डेसिमल प्लेसेस, मतलब जो लिखा हुआ 1500 है, अगर 1500.5 पैसा हुआ या 50 पैसा हुआ तो उसके लिए डेसिमल प्लेसेस कितना रखना है, हो गया। उसके बाद 1000 सेपरेटर। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1 के बाद कॉमा लग गया, ये 1000 जी के बाद एक कॉमा लगा देगा। तीसरा नीचे आता है निगेटिव्स नंबर, मतलब ये नंबर अगर निगेटिव्स में हुआ तो क्या दिखेगा, सर, ये तो बताया था सर, क्या बोल रहे। ये बताया था पहले भी कि रेड होता है तो वो नेगेटिव। आपने बोला था ना वॉइस ठीक नहीं थी, नेटवर्क कनेक्शन था, समझ में नहीं आया, इसलिए भी जस्ट रिपीट, ठीक है। जी जी सर, परसों की क्लास में आपकी इंटरनेट स्लो था ना, सर वो पूरी नहीं हुई थी, बस यहीं तक ही हुई थी, बस इसके हाँ आगे नहीं मैं पता। शुरू कर रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे जो आपका है ये है निगेटिव नंबर्स। तो जैसे कि अगर आपने इसको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, मतलब कि अगर नंबर माइनस में हुआ, जैसे -800 कर दिया हमने तो माइनस का सिंबल दिखेगा। लेकिन अगर आपने रेड वाला सिलेक्ट कर लिया तो फिर अब माइनस का सिंबल नहीं दिखेगा, कलर रेड हो जाएगा, बट एक्चुअल में माइनस होगा। अब ध्यान रखिएगा एक्सेल में जो वैल्यू दिखती है वो ओरिजिनल नहीं होती है, ओरिजिनल जो ऊपर आपका फॉर्मूला बार में दिखता है वो आपका ओरिजिनल होता है, ठीक है। जो फॉर्मूला बार में दिखता है वो ओरिजिनल होता है। तो फॉर्मूला बार में आपका दिख रहा है 800, मतलब कि अगर मान लीजिए कि 1000 में आप अगर 8 -800 को प्लस करोगे तो जाहिर सी रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, 200 आएगा ना। जी सर, हमने यहां पे सिलेक्ट किया, हमने क्या किया, इक्वल प्रेस किया और हमने इस पे क्लिक किया प्लस, फिर यहां हमने क्लिक किया जी सर, और एंटर प्रेस कर दिया, तो B2 प्लस B4 और B2 में क्या है माइनस है और B4 में क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है। जी सर, करने का मतलब यह है कि अगर माइनस में नंबर है तो एक कलर आ जाएगा, कलर अगर सिलेक्ट करते हैं नंबर में तो ये आपका कलर वाला सिस्टम इसी तरह से होता है, सर ये कलर रेडी आएगा कि कुछ और भी कर सकते हैं? रेड आएगा डिफॉल्ट। अब करेंसी पे क्लियर करते हैं तो करेंसी क्या होगा, सब कुछ वही है जो नंबर में यूज किया है, करेंसी में यहां करेंसी का सिंबल आ जाए।
रुपीज, अब मेरे पास है रुपीज आ रहा है, बट आपके पास हो सकता है डॉलर आए। क्यों? क्योंकि मेरा जो रीजनल सेटिंग है वो क्या है, इंडिया है। अब बोलिए रीजनल सेटिंग क्या होता है, तो उसके लिए आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल, ठीक है सर। जी सर, कंट्रोल पैनल के अंदर में आपको उसकी रीजनल सेटिंग मिलेगी, या इंस्टॉल करते समय होती है, इसलिए मेरा डॉलर आ रहा है, रुपीज आ रहा है। अगर आपके पास रुपीज ना आए डॉलर आए, तो आप यहां से अपना सैंबल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप बोला ये रुपीज सैंबल सब में होगा, देखिए विंडोज 7 के अलावा सब में होगा। अब विंडोज 7 में क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीजन है कि विंडोज 7 जो है 2007-8 के आसपास आया था, और हमारा रुपीज का सिंबल 2011 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था, समझे। इसलिए जी विंडोज 7 सर, में नहीं होगा। तो यहां पे एक चीज और भी है, करेंसी कोड। इंडिया की करेंसी कोड क्या है, INR, जी ठीक सर, है। आप बैंक स्टेटमेंट देखते होंगे ना, INR, जी, करेंसी कोड कब इस्तेमाल करते हैं। करेंसी कोड इस्तेमाल करने के पीछे रीजन होता है, जब आप मल्टी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे कई कंपनी बहुत सारे कंट्री में विजिट कर रही है वेबसाइट वगैरह, तो वहां पे कंट्री कोड देना होता है। ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए कि आपने साइन दिया, अब डॉलर का साइन आपने दे दिया ना, अब डॉलर जो है आपका सेम डॉलर, जो डॉलर का साइन देख रहे हैं, ये यूएस का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, ऑस्ट्रिया के भी है, आपका सिंगापुर का भी है, क्या सर। तो डॉलर साइन से तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि कौन से कंट्री का डॉलर है, हर कंट्री का रेट अलग अलग होता है ना एक्सचेंज रेट। इसलिए आप वेबसाइट वगैरह पे देखेंगे तो वहां पे करेंसी कोड दिया होता है, अगर यूएसडी है तो यूएसडी डॉलर, या आईएनआर है तो आईएनआर, ठीक है सर। जी सर, अकाउंटिंग वाले पार्ट में आते हैं, तो अकाउंटिंग में सिर्फ आप करेंसी सैंपल या करेंसी कोड ही दे सकते हैं, बाकी डेसिमल प्लेसेस इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। लेकिन इसका यूज हम एक जगह पे करते हैं, मैं यहाँ पे एक डेटा लेता हूँ, लैंड बिटवीन का फॉर्मूला लिया और मैंने यहाँ पे एक डेटा ले लिया, ठीक है, एक डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इस डेटा के अंदर में कहीं कहीं पे जीरो है, मैं चाहता हूं कि मेरा जो जीरो है वो अच्छे से विजुअल हो जाए, जीरो जो है अच्छे तरीके से विजुअल हो जाए, तो क्या करेंगे इसके लिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, अकाउंटिंग में जाएंगे और यहां पे कर देंगे नन। तो नन करते ही आपका जीरो डैश बन जाए, और मैं दोबारा बताता हूं कि डैश विजुअल होगा, मतलब सिर्फ दिखावा होगा, एक्चुअल में जीरो ही है ऊपर, क्योंकि एक्सेल के अंदर में किसी तरह का फॉर्मेटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग किसी भी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है, जस्ट उसकी विजुअल वैल्यू को चेंज करता है, जी सर, ठीक है। जी, इसलिए नंबर फॉर्मेट के अंदर में अकाउंटिंग का रोल है डेट। अब मान लीजिए मुझे डेट डालना है, तो आज की अगर सिस्टम डेट डालना चाहते हो तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल और सेमी कॉलर, कंट्रोल और सेमी कॉलर प्रेस करते हैं तो आपका सिस्टम डेट वहां पे टाइप हो जाएगा, ठीक है। जी सर, अगर इसका फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इसको अलग फॉर्मेट में करना चाहते हो, ऐसा नहीं दिखना चाहते हो, तो आप क्विकली तो आप यहां से भी कर सकते हो, शॉर्ट डेट दिख रहा है या लॉन्ग डेट, यहां पे क्लिक करोगे तो लॉन्ग डेट आ जाएगा, और शॉर्ट डेट करोगे तो यहाँ पे शॉर्ट डेट आ जाएगा। दूसरा होता है कंट्रोल शिफ्ट हैश, कंट्रोल शिफ्ट हैश की प्रेस कीजिएगा तो इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसमें आएगा, डायरेक्ट इसमें क्या कंट्रोल शिफ्ट और हैश प्रेस करने से क्या होगा, एक बार दिखाना सामने जो दिख रहा है ये होगा, डेट इस तरह का आ ये। जाएगा,
पहले कैसे था ये? पहले ऐसे था, अच्छा ठीक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको इनके अलावा और डेट की फॉर्मेट चाहिए, तो यहां पे आपके डेट्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सर। जी सर। इन डेट का यूज आप कर सकते हो, जिसको सिलेक्ट करोगे डेट उस तरह से आएगा। और दूसरा यहाँ पे कंट्री भी है कि आपको किस कंट्री, क्योंकि हर कंट्री के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, समझे। यूनाइटेड जी स्टेट जी का डालते हैं तो यूनाइटेड स्टेट के लिए देखिए क्या अलग अलग फॉर्मेट्स है, यहाँ पे दिख रहा है। जी जी ऐसे अगर आपने हिंदी हिंदी इंडिया इंडिया डाल दिया, हिंदी कर दिया, तो देखिए हिंदी आ गया, प्राण प्रवाण आ गया। जी जी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ये क्या करें, ठीक है। जी जी अब टाइम करके बात करते हैं। अब आप टाइम डालने के लिए जैसे कंट्रोल सेमी कोलन से आपने डेट डाला था, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन अगर आप डालते हैं तो टाइम डालेंगे, क्या डालेंगे, टाइम, कंट्रोल सेमी कोलन। अब सर। कंट्रोल सेमी कोलन डालने के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन, अब यहाँ पे आपके सामने टाइम के बहुत सारे फॉर्मेट है। अब ध्यान लीजिए टाइम के फॉर्मेट क्विकली आप यहां से भी चेंज कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट डालेंगे तो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने जनरल फॉर्मेट कर दिया, तो जनरल फॉर्मेट करते ही टाइम इस तरह से पॉइंट्स आ जाएगा। इसको टाइम में चेंज करने के लिए आप यह क्विकली यहां से टाइम में चेंज कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट कर सकते हैं तो टाइम आ जी जाएगा। सर जी। अब नंबर फॉर्मेट में हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे टाइम है और टाइम के लिए आप यहाँ पे फॉर्मेट चूज करें अपना, जो फॉर्मेट चूज करेंगे उसके हिसाब से टाइम्स है, जो टाइम चाहिए वो टाइम सर करेंगे वो सही दिखेगा, ठीक है सर। बोलिए। सर ने सर ये इंडिया के डोमेस्टिक लैंग्वेज में भी आ जाता है क्या? हाँ नहीं, तो यूज किया नहीं सर, जैसे कि तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु डालते हैं, आ रहा है तेलुगु, जी जी सर आ रहा है सर। डोमेस्टिक में भी आ जाता है। हम कभी ट्राई किए नहीं सर इसलिए, ठीक है। जी सर तो टाइम का हो गया, लेकिन टाइम में एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है, जैसे टाइम में डाला हुआ एमपीएम आ गया, मान लीजिए कि मैंने किसी का ओवर टाइम निकाला कि किसी ने 35 घंटे 20 मिनट और 47 सेकेंड का ओवर टाइम किया, एक कैलकुलेशन करके निकाल दिया। अब गलती से क्या हुआ कि किसी के ऊपर कोई और टाइम फॉर्मेट या जनरल कर दिया, टाइम फॉर्मेट उड़ गया, या पेस्ट स्पेशल में आपने वैल्यू कर दिया, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में वैल्यू कब करेंगे, जब फॉर्मूला फॉर्मेटिंग हर चीज रिमूव करके पेस्ट करना हो तब। जी। अब इसके ऊपर आप कंट्रोल शिफ्ट हैश या फिर ये टाइम शॉर्ट डालेंगे तो क्या होगा, 11:20 दिख रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू 24 आवर होता है, तो ऊपर आप देखेंगे कि 1/1/1900 डेट आ गया सर, जी सर और टाइम आ गया, तो 24 घंटे के बाद उसने एक दिन काउंट कर लिया, और 24 घंटे के बाद जो बचा 11 घंटे उसको टाइम में शो कर दिया। जब आपके जी सर पास इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ इंग्लिश इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट रहना चाहिए, और ये 37 30 55 का जो फॉर्मेट है उसको सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, तो आपको यहाँ पे जो टाइम चाहिए जैसा उस तरह से आवर्स में आ जाएगा, राइट सर। जी जी सर अब इसमें जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है परसेंटेज, तो परसेंटेज तो वही है कि अगर आपने 50% है आपका परसेंट टाइप करने का, देख लीजिए सर, जैसे मुझे यहाँ पे 50% टाइप करना है, तो 50% का सैंपल के साथ टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो 50% शो हो जाएगा। आप चाहो कि मैंने 50 टाइप कर दिया, इस पे परसेंटेज लगाओ, तो ये 5000% हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू 100% होता है, तो
अगर आप बाद में परसेंटेज का सिंबल ऊपर से क्लिक करके लगाना है तो आपको यहां 0.50 लिखना होगा और फिर जाके इसके अंदर परसेंटेज यहां से लगाइए या फिर यहां परसेंटेज से क्लिक करके लगाइए। अच्छा, कभी कभी कई जगहों पे आपने देखा होगा ढाई अगर लिखना हो तो कुछ लोग तो जैसे कुछ लोग तो ढाई लिखते इस तरह से 2.50 लिखते ना सर। कुछ लोगों का आपने देखा होगा 2 यहां पे फिर 1/2, ठीक है सर जी जी। तो ये 2 1/2 कैसे लिखाएगा? तो एक्सेल में इसके लिए फ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है। 2.5 हमने लिखा और यहां पे गए फ्रैक्शन में, गए फ्रैक्शन में जाने के बाद ये देखिए लेबल्स है कि आपको 2/4 चाहिए या जो भी लेबल्स है वो लेबल्स ले लीजिए। और यहां पे जो हाफ लेबल मैंने ले लिया, क्वार्टर नहीं लिया, हाफ लिया, तो ये देखिए 2 1/2 आ गया, ठीक है जी सर। इसका यूज बहुत कम ही पड़ता है बट कहीं कभी इंटरव्यू में पूछ देते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट का, ठीक है। जैसे कि मुझे मान लीजिए यहां पे चेक नंबर लिखना है, चेक नंबर, तो चेक नंबर जो है हमेशा क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है मोस्टली चेक नंबर, और 6 डिजिट का होता है। तो आपने इस तरह से लिखा तो 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा। रीजन कि आप यहां पे 01 नहीं लिख सकते, 1 लिख सकते हैं या 10 लिख सकते हैं, ये अपना भट जाएगा। ऐसे आपको +1 लिखेंगे तो भी आपका वो 1 ही रीड करेगा, -1 रीड करेगा, ठीक है। जिसके लिए आप लोग सिंगल कोट लगाते हैं, उसके बाद आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट ये नंबर नहीं टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब मुझे पूरे कॉलम में चेक नंबर लिखना है तो हर बार मैं सिंगल कोट प्रेस करके क्यों लिखूं? मैंने क्या किया कि एरिया को सिलेक्ट कर लिया और चले गए नंबर में और यहां हमने कर दिया टेक्स्ट एंड ओके। अब मैं यहां पे कुछ भी लिखूंगा तो टेक्स्ट नंबर कहलाए, टेक्स्ट कहलाएगा, नंबर नहीं रहेगा। यहां तक कि कोई फॉर्मूला भी हम अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई तो होगा पर परफॉर्म नहीं, क्योंकि तो फॉर्मूला टेक्स्ट में परफॉर्म नहीं करता है, जिस सेल की वैल्यू नंबर है तो करते। ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ना, ये इसकी फॉर्मेट प्रॉपर्टी कहलाती है कि आपने जो सिलेक्ट किया मतलब कि उसी तरह का वैल्यू इसमें स्टोर होगा। अगर हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया इसका मतलब है कि सेल में अब ABCD मतलब कि नॉन कैलकुलेटिव डेटा, ऐसा डेटा जिसपे किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं होना है, वही सिलेक्ट होगा जी सर। वो टेक्स्ट सेलेक्ट करने से हुआ क्या कि आप इसपे अब ABCD ही टाइप कीजिएगा, नंबर नहीं टाइप कीजिएगा। हाँ, नंबर आप टाइप कर सकते हैं, ऐसा नहीं बाउंडेशन ही नहीं कर सकते, लेकिन वो उसको रीड ABCD के फॉर्म में ही करेगा, ठीक है। इसीलिए जब भी आप कुछ ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख पा रहे हैं एक ग्रीन कलर का बॉक्स आता है और यहाँ पे एक अलर्ट का निशान आता है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि नंबर स्टोर एज टेक्स्ट, आपने नंबर को टेक्स्ट की तरह स्टोर किया है। इसमें ऑप्शन आएगा कन्वर्ट नंबर इग्नोर एरर, कन्वर्ट नंबर करेंगे तो नंबर बन जाएगा और इग्नोर करेंगे तो फिर सिंबल जो है वो आपका हट जाएगा, ठीक है सर। कुछ समझ में आया सर आपको? जी जी जी। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है कस्टम फॉर्मेटिंग। क्या है कस्टम फॉर्मेटिंग? देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ा सा एडवांस है, इसके लिए आपको हम एक आर्टिकल देंगे जिसको आपको देखना होगा पहले। अब ये आर्टिकल ऐसा नहीं कि मेरा है, ये आर्टिकल जो है ये है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसने कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर जो कोड दिए गए हैं उसके बारे में बताया है।
यहाँ पे एक्सपेंड करके देख लीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना निशान, इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो पूरा खुल जाएगा, ठीक है। तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिए, क्योंकि इस आर्टिकल को जब पढ़ लेंगे तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है जी। जी सर, तो आपको मैं भेज देता हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है सर, जी सर, तो मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट सर, मिलते हैं कल सेम टाइम। जी जी सर, जी जी सर।